नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिस्ट्री का ये 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अभी तक की जो हमने देखा वो यूरोपियों के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो करेंगे वो इस लेक्चर में हम बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम मैसूर में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, चलिए चलते हैं बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता तो बंगाल में एक्चुअल में हुआ यह था कि 1717 ईस्वी में स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के द्वारा थोड़ा अच्छा रहेगा कि हमको याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो यह हुआ कि मुर्शिद कुली खान जो था 1717 हमने लिख लिया है ना, 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान जो बंगाल का सूबेदार बना था। ये एक प्रकार से नवाब या उप सूबेदार बंगाल में एक पद होता था, उप सूबेदार सॉरी सूबेदार और उप सूबेदार नहीं सूबेदार और नवाब, ये बंगाल में क्या था एक प्रकार से सबसे बड़ा पद था उस समय, प्रांत का ये सबसे बड़ा पद था। तो ये बोला जाता था सूबेदार, नवाब या बोला जाता था उसको। तो हुआ ये कि ये जब यहाँ 1717 ईस्वी में बना तो इसने जो है अब दो काम किए यहाँ पे। पहला इसने क्या, इसने अपनी राजधानी को ढाका, यहाँ पे जो राजधानी थी ढाका, ढाका को इसके नीचे हमने साइन लगा दिया है कि ये एक्सचेंजेशन का जो साइन होता है ना, ये बताता है कि ये इससे बदल के ये हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। तो मतलब ये है कि ये ढाका के स्थान पे इसने मुर्शिदाबाद को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी, ढाका के स्थान पे मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाई थी। दूसरा इसने काम किया था, इसने अंग्रेजों द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग किया था। किसका दुरुपयोग किया था, अंग्रेजों द्वारा दिए गए दस्तक का इसने दुरुपयोग किया था। हालांकि दस्तक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे लास्ट में नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम इसमें देखते हैं। दूसरा आप देखें कि इसकी 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई, 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद सुजाउद्दौला जो है 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। कब बना, 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। ये एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। कैसा ना शासक था, न्यायप्रिय शासक था, न्यायप्रिय शासक था। उसके बाद में इसने जो काम किया, इसने 1732 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में इसने अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का नियुक्त किया, बिहार का उप सूबेदार इसने नियुक्त किया तब 1732 ईस्वी में। अब इसकी जब मृत्यु हो गई, 1739 ईस्वी, 1739 ईस्वी में इसकी जो मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई, तो इसका पुत्र हमने नोट किया, इसका जो एक्चुअल में इसमें जो लैंग्वेज दिख रही है वो हमारी मतलब सिस्टम की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन जितने भी हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं तो उसमें जो है लैंग्वेज की वजह से हो गया है, वो लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है इसे, तो वो मतलब ऐसा डिनोट रिप्रेजेंटेशन साइन दे देता है। वैसे हमने सही लिखा था तो आप इसको सही कर लीजिएगा जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो हुआ ये कि 1717 ईस्वी की बात है, सॉरी 1739 ईस्वी में इसकी जो मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र जो बना कौन बना, सरफराज खां जो है बंगाल का सूबेदार बना। अब बंगाल का जब ये सरफराज खां सूबेदार बना तो इसकी जो है शासन में अलीवर्दी खां से इसके संबंध बिगड़ गए, तो अलीवर्दी खां ने इसके क्या कर दिया, इसके शासन में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो इसने इसको क्या कर दिया, सरफराज खां को इसने मार दिया। और मारने के बाद अलीवर्दी वहां का 1740 ईस्वी में इसने विद्रोह किया था। तो 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खां, इसके बारे में ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, 1740 से 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो था बंगाल का सूबेदार बना। कौन बना बंगाल का सूबेदार, अलीवर्दी खां। इसने दो तीन काम किए थे, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इसने जो था वो एक प्रकार से, पहली चीज तो इसने यूरोपियों को क्या दी थी, मधुमक्खी की उपमा दी थी, जैसे मधुमक्खी का हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, मधुमक्खी की उपमा दी थी कि इनको अगर जो छेड़ा जाए तो ये मतलब इनको अगर जो ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, अगर जो छेड़ा जाए तो ये क्या करेंगी, काटकर मार डालेंगी। और इन्होंने इसने दूसरा जो काम किया था,
और इसने जो दूसरा काम किया था, इसने अंग्रेजों को दुर्गीकरण करने का अधिकार नहीं दिया था, इसने अंग्रेजों को दुर्गीकरण करने का अधिकार नहीं दिया था, इसको हमने काटने का साइन लगा दिया है, मतलब इसने जो है अंग्रेजों को दुर्गीकरण करने का अधिकार नहीं दिया था, ऐसा हमने उतारे। इसके इसके कोई पुत्र ना होने के कारण, इसके बाद इसके कोई पुत्र ना होने के कारण इसने अपने सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को क्या बना के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो ये हुआ कि 1756 ईस्वी में जो है इसकी के प्रकार से जब मृत्यु हुई तो 1756 से 1757 ईस्वी तक जो था सिराजुद्दौला जो था बंगाल का क्या बना, सूबेदार बना। इसने क्या किया, इसने इसका एक काम हुआ इसके समय में कि इसके समय अंग्रेजों के संबंध इसके बिगड़ गए, तो अंग्रेज जो थे इसके मतलब इस नवाब के सूबे शत्रुओं को क्या कर रहे थे, शरण दे रहे थे और बिना परमिशन के अपने किलों की क्या कर रहे थे, दुर्गीकरण कर रहे थे, उनको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे, दुर्गीकरण कर रहे थे। और उसके बाद हुआ ये कि इसके समय में एक और काम हुआ था, कालकोठरी की घटना हुई थी, फलस्वरूप इसने जो हुआ था फलस्वरूप 20 जून 1756 ईस्वी को, ये देखिए हमने लिख लिया है 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर घेरा डाल लिया और अधिकार मतलब अटैक कर दिया फोर्ट विलियम पर, अटैक करने के बाद उस पर 5 दिनों तक घेरा उसका डाले रहा, 5 दिनों के बाद उसने जो है 20 जून 1756 विलियम पर इसने अधिकार कर लिया, फोर्ट विलियम पर इसने अधिकार कर लिया। तो इसी को हम बोलते हैं काल कोठरी की घटना, कौन सी घटना बोलते हैं, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 ईस्वी को एक घटना हुई थी जिसका नाम रखा गया काल कोठरी की घटना, कौन सी घटना हुई थी, काल कोठरी की घटना, ये हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की घटना हुई थी। इस घटना का क्या परिणाम हुआ, इस घटना में हुआ ये था काल कोठरी की घटना में कि मतलब 146 अंग्रेज अधिकारी जो थे उसको यहाँ पे एक कोठरी में बंद कर दिया था, एक प्रकार से कमरे में बंद कर दिया था 146 लोगों को। तो हुआ यह था कि 123 लोगों की दूसरे दिन मौत हो गई थी, दूसरे दिन मौत हो गई थी, और हालवेल समेत इसमें जो था एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल था तो वो भी शामिल था, तो 23 लोग बच गए थे, 23 लोगों में एक हालवेल था, उसने इस घटना को बताया था कि ऐसा हुआ था। हालांकि तथ्यों के अलावा तथ्यों के किसी भी तथ्य से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसकी जो है पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसने एक प्रकार से लोगों ने ऐसे को ऐसा बोला था कि ये हालवेल की एक प्रकार से मनगणन कहानी है, हालवेल की एक मनगणन कहानी है। अब ये घटना हो गई, फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया, तो उसके बाद अपना जो सिराजुद्दौला था वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया, अब मुर्शिदाबाद चला गया तो वहां से मद्रास से क्लाइव और वाटसन दो अपनी सेना लेकर के कहां पे पहुंच गए, बंगाल में पहुंच गए। बंगाल में जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने देखा कि फोर्ट विलियम कब्जे में था, तो किसके कब्जे में था, उस समय मानिक चंद के कब्जे में था, और मानिक चंद से इन्होंने फोर्ट विलियम जो था वो फिर से अपना अधिकार कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो था कि अब इन्होंने सोचा कि ये जो सिराजुद्दौला है एक प्रकार से हमारे लिए कुछ घातक है, तो उन्होंने कहा ये हमको ऐसे कायदे से व्यापार नहीं करने देगा। तो अब हुआ ये उन्होंने जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया। इनका जो एक सेनापति था, ठीक है, उस वो क्या वो सेनापति मीर जाफर, और दीवान जो था राय दुर्लभ, दीवान जो था यार राय दुर्लभ, एक सैनिक अधिकारी जो था यार लतीफ, और दूसरा तीसरा कौन था, तीसरा वो था उसका नाम नहीं आता है, एक व्यापारी था यहाँ बंगाल का व्यापारी जो था वो जगत सेठ था। इन चारों ने मिल करके नवाब के खिलाफ षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करने के मतलब ये था कि मीर जाफर से इसने समझौता किया, मीर जाफर से समझौता किया कि आप जो को मैं नवाब बना दूंगा, मतलब मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, लेकिन बदले में क्या मिलेगा, अंग्रेजों को नवाब क्या देगा, एक 24 फरगना जिले की ये दीवानी उसको दे देगा, क्या देगा, 24 फरगना जिले की दीवानी दे देगा, और अंग्रेजों के अधीन काम करेगा, कौन, मीर जाफर काम करेगा अंग्रेजों के अधीन। अब ये सेनापति था तो सूबेदार बन जाएगा, तो इसने जो है लालच आ गया, तो इसने जो है मतलब ऐसा जो है उससे षड्यंत्र कर लिया। अब ये हुआ कि इसमें जो है अंग्रेज जो है अपनी सेना लेकर के जाएंगे,
मीर जाफर भी अपनी सेना उसमें उस मीर जाफर की भी एक प्रकार से सेना बना ली थी इसने, मतलब उसके जो सिराजी दौला के कुछ सैनिक थे तो इसके अंडर में काम करते थे, तो इसके जो थे उसी सेना को लेकर के मतलब ये अलग हो जाएगा। तो इसने अपनी सेना जो उसमें बना ली थी उन लोगों को इकट्ठा कर लिया था, कुछ गैंग बना लिया था सेना में, उसकी सेना में गैंग, तो इसको साथ में लेकर गया और उसके बाद में हुआ ये आधी सेना ये हो गए अलग। तो 23 जून 1757 ईस्वी की घटना है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, इन्हीं के षड्यंत्र के कारण प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी, ये कर्नल क्लाइव की एक छोटी सी सेना के बीच में और सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के बीच में युद्ध हुआ था। अब हुआ यह था कि इतनी बड़ी सेना के बीच युद्ध हुआ था लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। क्यों? क्योंकि मीर जाफर अपनी सेना लेकर के अलग हो गया था। अब अलग हो गया तो उसके पास बहुत कम सेना बची थी। अब हुआ ये कि उसके पास बहुत कम सेना बची तो इसने सिराजुद्दौला पराजित हो गया था और पराजित होकर के वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन मुर्शिदाबाद में इसको पकड़कर इसका जो है वध कर दिया गया था, इसका जो है वध कर दिया गया था। ये घटना है जो है प्लासी के युद्ध की। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि मीर जाफर जो था वो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक का जो है एक प्रकार से नवाब रहा। 1757 से 1700 मीर जाफर जो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक नवाब रहा। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। इसने जो है दो दो काम किए थे। इसने को जो है यूरोपियों के एक प्रकार से ये कठपुतली शासक था। ये कठपुतली शासक था। कठपुतली का मतलब था कि जैसे जो इससे अंग्रेज बोलेंगे वही ये करेगा। इसका मतलब ये था कि ये कठपुतली शासक था, अंग्रेजों के अधीन शासक था। इसके बाद हुआ ये कि अगला जो था इसके बारे में फैक्ट, इसको गीदड़ भी बोला जाता है। इसको कर्नल क्लाइव का जो है गीदड़ बोला जाता है। अब 1760 ईस्वी में आपने छोड़ा होगा गवर्नर जनरल के बारे में, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सारे गवर्नर के बारे में बताएंगे और कैसे याद किया जाता है गवर्नरों को, ये याद करने के हम ट्रिक आपको बता देंगे। सारे जितने भी गवर्नर हैं सब याद हो जाएंगे आपको। तो ये हुआ कि 1760 ईस्वी में गवर्नर जो था वो चला गया, कर्नल क्लाइव जो है एक प्रकार से चला गया। बेंसी स्टार्ट गवर्नर जनरल बनकर आया था। कौन गवर्नर जनरल? बेंसी स्टार्ट गवर्नर जनरल बनकर आया यहाँ पे और इसने जो है नवाब बदलने का निश्चय किया। इसको फायदा उससे ज्यादा नहीं मिल रहा था तो इसने नवाब बदलने का निश्चय किया। अब इसने नवाब बदलने का निश्चय किया तो हुआ ये कि इसने जो है मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से इसने समझौता किया। कौन कौन से समझौता किया इसने? इसने समझौता किया था कि ये क्या करेगा, तीन चीजें प्राप्त करेगा, बंगाल, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी प्राप्त करेगा। का मतलब कंपनी जो थी वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी प्राप्त करेगी। और इसने क्या किया था अगला, इसने किया था मतलब सिलहट से चूना पत्थर का व्यापार होता था उसमें कंपनी की आधी भागीदारी होगी। अंग्रेज अधिकारियों को कंपनी के मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको जो था एक प्रकार से ये जो लोग क्या देंगे, धन दिया जाएगा, इनके द्वारा धन दिया जाएगा, मतलब ये तीन से समझौते हुए थे। अब ये हुआ कि इसको हटाया कैसे जाए मीर जाफर को हटाया कैसे जाए। तो उसने सोचा कि ये बंगाल में एक सूबेदार का पद है तो एक और पद रख दिया जाए, उप सूबेदार का पद। तो हुआ ये इसने सोचा अपने मीर कासिम को, इसने मीर जाफर के सामने प्रस्ताव रखा, मीर जाफर के सामने प्रस्ताव रखा कि ये जो है मीर कासिम को यहाँ का उप सूबेदार नियुक्त कर दे और सारे प्रशासन के सारे अधिकार जो थे वो उसके हाथ में दे दे, जितने भी प्रशासन के अधिकार थे वो सब किसके हाथ में चले जाएं, वो चले जाएं मीर कासिम के हाथ। कंपनी को फायदा हुआ। इससे असंतुष्ट होकर के मीर जाफर ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया। अब नवाब पद से इस्तीफा दे दिया तो नवाब का पद खाली हो गया तो मीर कासिम अपने आप गवर्नर बन गया, सॉरी नवाब बन गया वहां का। तो 1760 ईस्वी में मीर कासिम जो था वो मतलब एक प्रकार से नवाब बना। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक यहाँ का क्या बना, 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक यहाँ का नवाब बना। तो ये हुआ कि 1760 से 1763 ईस्वी तक ये नवाब बना। 1700 मतलब बेंसी स्टार्ट इसके बाद चला गया था 1760
65 ईस्वी में आया था ना, इसने मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी और मुंगेर में तोपखाना और बंदूक बनाने का एक प्रकार से निर्माण करने का एक कारखाना स्थापित किया था। मुंगेर में तोपखाना और बंदूक निर्माण करने का एक कारखाना स्थापित किया था और इसने अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक सैनिक जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड समरू इसका नाम को नियुक्त किया था। उसके बाद जो था अगला इसने काम किया था कि यहाँ पे इसने जो है इसने बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। अब बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति हो जाएगी तो होगा क्या कि सभी लोग व्यापार करेंगे। तो इससे रुष्ट होकर के बेंसी टाट ने क्या किया, इसको हटा दिया और मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। तो मीर जाफर को इसने फिर से 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया। अब ये मीर कासिम बहुत ही परेशान हो गया अंग्रेजों से, अब ये परेशान हो गया तो ये भाग कर कहां गया, अवध के नवाब के पास चला गया। किसके पास चला गया, अवध के नवाब के पास जब पहुंचा तो एक बक्सर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में हुआ यह था कि ये भाग करके मीर कासिम भाग करके अवध के नवाब के पहुंचा और वहां पे मुगल सम्राट उपस्थित था। मुगल सम्राट जो उपस्थित था, मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर के सुजाउद्दौला के पास पहुंचा था और वहां पर जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। अब तीनों के बीच में कुछ ऐसा षड्यंत्र हो गया, तीनों ने मिल करके जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर दिया। अब युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व कर रहा था, आपको बक्सर का युद्ध है तो बक्सर कहाँ पे पड़ता है ये आपको मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ये हम मैप में दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए बिहार है, तो ये बिहार में जो है बक्सर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बक्सर जो है बिहार में पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है। तो बक्सर जो है बिहार में पड़ता है। तो तीनों ये हेक्टर मुनरो वाली सेना के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अब ये तीनों ने इस पे हेक्टर मुनरो वाली सेना पे युद्ध किया, आक्रमण किया। आक्रमण में हुआ ये कि ये लोग हारने लगे तो मीर कासिम जो है युद्ध मैदान से भाग गया। सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर मुगल सम्राट से अलग अलग संधियां हुई। कौन कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 ईस्वी में जो है बेंसी टाट यहां से चला गया था, और कौन नवाब बन के आ गया था, वो आ गया था फिर से क्लाइव फिर से यहां पर आ गया था। लेकिन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था बक्सर युद्ध में, हेक्टर मुनरो कर रहा था। इलाहाबाद की फलस्वरूप क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधियां हुई थी। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो 12 अगस्त 1665 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1765 ईस्वी को हुई थी। किस किसके बीच में हुई थी ये संधि जो हुई थी, ये अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। इस संधि में हुआ यह था कि अंग्रेज जो थे वो इलाहाबाद और कड़ा दो जिले लेकर के कंपनी को, दो जिले अवध के नवाब से लेकर के मुगल सम्राट को देंगे। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी, 26 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी। और अगला जो था कि मुगल सम्राट जो है कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, तीन इसके फैक्ट आप याद रखिएगा, इसके बीच में हुए थे। अगली संधि इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। अब इसमें हुआ यह था कि इलाहाबाद और कड़ा दो जिले लेकर के अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा दो जिले लेकर के मुगल सम्राट को दिया था इसने, ठीक है। और अवध के नवाब पर 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया था,
50 लाख रुपए पर इसका हर्जाना लगाया गया था, और अवध में कंपनी जो है कर मुक्त व्यापार करेगी। अवध में क्या है, कंपनी कर मुक्त व्यापार करेगी। और इसने एक और काम किया था, क्या इसने जो है, थोड़ा ऊपर से हम देख लेते, इसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो इसके बाद जो है अवध में कर मुक्त व्यापार का इनको मतलब अधिकार मिल गया था। तो एक चीज और है कि इनको जो था बंगाल में एक अंग्रेजी सेना रखी, सॉरी बंगाल में नहीं, अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध का नवाब झेलेगा, मतलब अवध का नवाब देगा। मतलब इस प्रकार से 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। बंगाल में किस शासन की स्थापना हुई थी, द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। 1772 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल आया था वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द्वैध शासन की स्थापना कब से शुरुआत हुई थी, कर्नल क्लाइव के समय में स्टार्टिंग हुई थी द्वैध शासन की स्थापना, तब से 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक किसने समाप्त की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त की थी। अगले लेक्चर में हम मैसूर के बारे में, अगले मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट में हम जब हम उसके गवर्नर जनरल के काल के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे किसके बीच में क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो तब तक के लिए आप हमारे लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यदि आपको अच्छा लगे तो मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह करवा भी दें, शेयर करें। धन्यवाद।